दोस्तों स्वागत है फिर से आपका एक बार हमारे YouTube चैनल मॉडुलर वुडवर्किंग एंड फेब्रिकेशन में आज का वीडियो है हमारा स्टील डोर के बारे में जैसा कि आप ये वीडियो में देख रहे हैं ये स्टील के दरवाजे हैं और ये वायर नेटिंग डोर्स हैं जाली के दरवाजे हैं फ्रेंड्स तो चलिए आज हम इनके बारे में बात करते हैं ये दरवाजे हमने तैयार किए हैं और इसके बारे में आपको जानकारी देते हैं कि क्या ये कॉस्ट करता है और ये कौन सा स्टील है और अगर आप अपने घर के लिए वायर नेटिंग डोर्स बनाना चाह रहे हैं तो आप कौन से दरवाजे बनवा सकते हैं फ्रेंड्स तो जाली के दरवाजे फ्रेंड्स आप अपने घर के लिए लकड़ी के बनवा सकते हैं लोहे के बनवा सकते हैं और स्टील के भी दरवाजे आप जाली के बनवा सकते हैं फ्रेंड्स देखिए स्टील का जो दरवाजा है वो बहुत सुंदर लगता है जाली का दरवाजा जैसा कि आप देख रहे हैं ये काफी मजबूत भी होते हैं और दिखने में भी बहुत अच्छे होते हैं तो वैसे ही हमने ये जाली के दरवाजे तैयार किए हैं और ये एस एस डोर्स हैं यानी कि स्टील के दरवाजे हैं फ्रेंड्स और इसमें हमने डबल जाली लगाई हुई है एक तो जो मॉस्कोनेट होती है जो मच्छर जाली होती है हमारी वो लगाई हुई है और उसके बाद एक सपोर्ट जाली जो आती है मोटी हमारी जिसको बर्फी जाली भी बोलते हैं हम लोग तो वो हमने इसके साथ में लगाई हुई है एज ए सपोर्ट सपोर्ट के लिए लगाई हुई है फ्रेंड्स और ये हैंडल जो है हमने हैंडमेड हैंडल है ये हैंडल हाथ से बना के लगाए हुए है जो कि काफ़ी लगभग ढाई फिट का ये हैंडल है और जो दिखने में बहुत सुंदर लगता है फ्रेंड्स और अगर आप स्टील के दरवाजे बना रहे हैं तो आप भी हैंडल उसमें जो फ्रंट हैंडल होता है वो हाथ से बनवा के लगवाएं जो कि दिखने में काफी अच्छा लगेगा और दरवाजे की जो सुंदरता है वो और भी ज्यादा बढ़ा देता है फ्रेंड्स तो जैसा कि मैंने आपको बताया ये 202 ग्रेड का स्टील है फ्रेंड्स और काफी अच्छी इसमें फिनिशिंग आती है और ये प्राइड का स्टील है प्राइड जिंदल वालों का ही है इन्होंने थोड़ा सा ब्रांड चेंज कर दिया है जिंदल के नाम से भी आता है और जिंदल प्राइड के नाम से भी आता है तो ये आप ले सकते है, friends, हैं प्राइड स्टील और फ्रेंड्स इसमें डोर क्लोजर हमने लगाए हुआ है लगाए हुए हमने इसमें जो कि पांच इंची के हिंज है फ्रेंड्स और इसके अगर मैं आपको बॉर्डर की बात करूं जो इसका दरवाजे का बॉर्डर है हमारा वो तीन इंची बाई एक इंची की सेक्शन का बॉर्डर है फ्रेंड्स देख सकते हैं आप तीन इंची बाई एक इंची की सेक्शन का बॉर्डर है उसके बाद फिर से एक इंची की हमने इसमें जो डिब्बी होती है हमारी स्टील की जो पाइप होती है एक इंची बाई आधा इंची की वो लगाई हुई है इसमें जो कि जाली के फ्रेम को होल्ड करेगी अंदर से तो उसके बाद इसमें एक इंची बाई आधा इंची का ही हमने डिजाइन बनाया है पूरा और देख सकते हैं आप जो कि काफ़ी अच्छा लग रहा है दिखने में तो आप भी इस तरह से अपने दरवाजे बनवा सकते हैं फ्रेंड्स आप चाहें तो जो माल है स्टील का जो मटेरियल है वो आप थोड़ा हैवी भी ले सकते हैं इसमें आप हमने तीन इंची एक इंची का लिया है आप तीन इंची वाई डेढ़ इंची का ले सकते हैं और सवा इंची वाई ढाई इंची का भी आता है तो आप उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं फ्रेंड्स दरवाजे बनाने को तो देखो एक इंची वाई दो इंची के जो सेक्शन होती है उसमें भी स्टील के दरवाजे बनते हैं लेकिन वायर नटिंग डोरस अगर आप बना रहे हैं तो तीन इंची कम से कम साइज उसके जो विथ है सेक्शन की वो तीन इंची लेनी ही चाहिए आपको क्योंकि तभी वो देखने में अच्छा लगेगा फ्रेंड्स जैसा कि आप देख रहे हैं अंदर से मैं आपको दिखा देता हूँ इसका दरवाजे का देखो अंदर से पूरा प्लेन है अंदर से सिर्फ इसमें जाली का जो फ्रेम बनाया हमने पत्ती का एस एस की ही पत्ती ली है हमने फ्रेम बनाने के लिए और उसका फ्रेम बना दिया है और उसके ऊपर से फिर से एक जो है हमने ये जो हमारी पौन इंची वाई तीन यानी कि आपका अट्ठारह एम एम और आठ एम mm की जो साइज की पाइप आती है हमारी डिब्बी आती है वो हमने लगाई हुई है और अंदर से रेडीमेड हैंडल लगाया हुआ है तो अंदर से क्योंकि डबल दरवाजे हैं तो एक दूसरे में दरवाजे में हैंडल का जो है अड़ने का डर रहता है तो इसलिए जो रेडीमेड हैंडल आता है छोटा हमारा वो हमने अंदर से लगाया हुआ है और बाहर से हैंडीमेड हैंडल यानी कि हाथ से बना के हैंडल हमने इसमें लगाया हुआ है फ्रेंड्स और पूरा प्रॉपर जैसे लकड़ी के दरवाजे में हम फिटिंग करते हैं पूरा हिंज डोर क्लोजर और हैंडल डंडेले वैसे ही सेम सब कुछ लगाया हुआ है कोई भी इसमें प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स बस आपको जो बनाने वाले मिस्त्री हैं आपके वो उनको आपको बताना है कि हमने इस तरह के दरवाजे बनाने हैं फ्रेंड्स तो ये आप देख सकते हैं और ये काफी अच्छे लगते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं बनने के बाद दरवाजे जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में चलिए बात करते हैं इसके मटेरियल की कि ये कॉस्ट क्या करता है फ्रेंड्स अगर इसकी कॉस्ट की बात करें तो फ्रेंड्स ये जो मैंने दरवाजे अभी हमने तैयार किए हैं ना ये एक दरवाजा थर्टी फाइव के का यानी कि पैंतीस किलो का दरवाज़ा ये हो है तैयार जो तैयार है इस समय ये फ्रेंड्स तो स्टील का जो प्राइस है इस समय वो दो सौ रुपये के जी के आसपास है मार्केट में और उसके बाद इसके ऊपर से लगभग सेवनटी रुपीज़ के यानी कि सत्तर रुपये अस्सी रुपये किलो के हिसाब से हम इसकी बनवाई लेते हैं स्टील की जो बनवाई चलती है फ्रेंड्स क्योंकि इसमें मेहनत भी काफ़ी ज़्यादा होती है स्टील में तो इसलिए इसकी जो बनवाई होती है वो थोड़ी ज्यादा होती है फ्रेंड्स लोहे से तो क्योंकि इसमें पॉलिश भी करना पड़ता है और सबसे ज्यादा जो मेहनत होती है वो इसके पॉलिश में ही होती है ठीक है पॉलिश करने में इसका काफी समय और काफी ज्यादा मेहनत इसमें लग जाती है फ्रेंड्स ये जो जाली में आप काले काले जो आपको धब्बे दिख रहे हैं ना ब्लैक ब्लैक ब्लैक, ब्लैक जो स्पॉट दिख रहे हैं आपको ये जो जैसे पॉलिश करते हैं ना स्टील के दरवाजे में तो कभी जो ग्राइंडर होता है वो फिसल के जाली पे पड़ जाती है बफ तो उससे काला हो जाता है इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है आप इसको धो के साफ़ कर सकते हैं आप इसको पानी से धो सकते हैं बरसात में धूप में इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आती है फ्रेंड्स इसका ये फ़ायदा रहता है स्टील के दरवाजे का जैसे कि आप बाहर हम लोग लकड़ी का दरवाज़ा लगाते हैं तो लकड़ी के दरवाजे में क्या होता है कि आपको पेंट आप अगर करते हैं तो वो भी कुछ दिनों कुछ समय के बाद डल पड़ जाता है यानी कि उसकी जो ग्लो होता है पेंट का वो डल हो जाता है फ्रेंड्स <coughs> पहले जैसे कि मैंने अभी हाथ लगाया यहां पर आप देख रहे हैं ना जो ब्लैक ब्लैक दिख रहा है आपको ये क्या है कि ये पॉलिश अभी जमा हुआ है इसमें जो हमने पॉलिश किया है इसमें तो अगर आप इसको पानी से धो के साफ करेंगे या कॉलिन लेके आप कपड़े से इसको साफ रगड़ेंगे तो ये बिल्कुल जो ब्लैकनेस है जो काले काले धब्बे हैं इसमें सारे कुछ साफ हो जाएंगे ये और ये बिल्कुल अच्छा दिखेगा फ्रेंड्स मैं आपको बता रहा था कि अगर आप स्टील के दरवाजे बना रहे हैं बाहर की साइड है अगर आपका जो पोर्च है वो ओपन है जो फ्रंट साइड में आप दरवाजे लगा रहे हैं वहाँ धूप पड़ती है बारिश पड़ती है पानी पड़ता है तो आपको स्टील के दरवाजे जरूर लगाने चाहिए फ्रेंड्स क्योंकि लकड़ी के दरवाजे लगाएंगे उसमें पेंट करेंगे पेंट कुछ समय के बाद क्या होता है कि डल पड़ जाता है ठीक है उसकी जो ग्लो होता है वो ख़त्म हो जाता है अगर नॉर्मल पॉलिश आप कराएंगे तो वो भी कुछ समय के बाद एक दो साल के बाद ख़त्म हो जाता है उसमें अगर लकड़ी के दरवाजे आप बना रहे हैं फ्रंट में तो आपको प्यू पॉलिश उसमें करवाना पड़ता है जो कि जिसकी जो कि पंद्रह से दस से पंद्रह साल चलता है फ्रेंड्स क्योंकि अगर आप यू पॉलिश नहीं करवाएंगे पोली कोटिंग जिसको बोलते हैं अगर वो नहीं करवाएंगे लकड़ी के दरवाजे में तो आपका पॉलिश बिल्कुल भी नहीं चलेगा और दरवाजा बदसूरत का बदसूरत ही दिखेगा ठीक है लेकिन पॉली कोटिंग का होता है कि वो काफी महंगी पड़ जाती है एक तो लकड़ी महंगी है उसके ऊपर से फिर पॉलिश महंगा उसका होता है ठीक है बनवाई भी लगभग स्टील की और लकड़ी की सेम ही रहती है फ्रेंड्स तो इसलिए जो है आप स्टील के दरवाजे लगा सकते हैं स्टील के दरवाजे में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली क्योंकि एक तो ये पानी से धूप से और ख़राब नहीं होने वाला ठीक है उसके बाद आप इसको वॉश कर सकते हैं धो सकते हैं आप बिल्कुल पानी से इसको और कहीं गंदा होता है या कुछ हो सकता है लकड़ी के दरवाजे को आप धो नहीं सकते फ्रेंड्स ठीक है अगर पोलियोथिन कोटिंग उसमें की गई है तो आप पानी हल्का फुल्का उसमें मार सकते हैं ख़राब नहीं होता लेकिन पानी लकड़ी की अगर जड़ों में कहीं घुस गया तो वो नुकसान कर सकता है दरवाज़ा खराब कर सकता है क्योंकि लकड़ी का जो दरवाज़ा होता है वो वैसे ही बहुत कॉस्टली होता है तो इसलिए आप जो है स्टील के दरवाजे फ्रंट में लगा सकते हैं जो कि आपका जो लुक होगा मकान का जो एलिवेशन होगा वो काफ़ी अच्छा लगने लग जाएगा फ्रेंड इससे तो जैसे कि मैंने आपको बताया ये पैंतीस किलो का लगभग दरवाज़ा है एक दरवाज़ा पैंतीस किलो का बैठ गया है तो आप इसको तीन सौ से डिवाइड कर सकते हैं कि आपको जो 300 350 सौ के हिसाब से ये दरवाजे आपको बन जाएंगे फ्रेंड जो स्टील के दरवाजे होते हैं लकड़ी का दरवाजा होता है वो इससे कहीं ज़्यादा महंगे होते हैं ठीक है लकड़ी के दरवाजे का जो प्राइस है अगर आप अच्छी लकड़ी चूज़ कर रहे हैं और लकड़ी के दरवाजे लगवाना चाह रहे हैं तो लगभग पाँच सौ रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से कॉस्ट करता है विदाउट पॉलिश ठीक है और उसके बाद लगभग अगर आप पॉलिश कराने दरवाजे में तो दो सौ रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से ढाई सौ रुपये पर स्क्वायर फीट के हिसाब से आपको पॉलिश की कॉस्ट आती है उसमें फ्रेंड्स आपके दरवाजे में तो इससे अच्छा है कि आप स्टील के दरवाजे लगवा सकते हैं और ये आपके बजट में भी आएंगे और ये काफ़ी अच्छे भी लगते हैं फ्रेंड्स तो आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा फ्रेंड्स क्योंकि ये दरवाजे मैंने बनाए हैं तो मैं आ, मुझे लगा कि आपको जानकारी देनी चाहिए तो ये वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट करके बताएं और आपको किसी प्रकार की जा, जानकारी चाहिए वुडवर्किंग फैब्रिकेशन या इंटीरियर फर्निशिंग के बारे में तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं या हमारे सोशल मीडिया लिंक पे कॉन्टैक्ट डिटेल मैंने दी हुई है डिस्क्रिप्शन में आप वहाँ पर जाकर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फ्रेंड्स अगर आप ये वीडियो उत्तराखंड कहीं से देख रहे हैं तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और हमसे कोई भी काम करवा सकते हैं फ्रेंड्स चाहे वो स्टील का हो लोहे का हो लकड़ी का हो पूरा इंटीरियर का काम हम लोग करते हैं फ्रेंड्स तो चलिए आज के वीडियो में इतना ही मिलते हैं नए वीडियो में नए जानकारी नए काम के साथ तब तक के लिए जय हिंद